भाई साहब ऐसे उंगलियों पर हमारे पड़ा डाटा, हम काम करते हैं, हम इनकी तरह जुमले नहीं सुनाते। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए, आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। भाई साहब हर बात पे झूठ बोलते हैं यार, कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी भाई साहब। इतना झूठ कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर एक साल, मिल गया ना जिनको मोदी जी ने रोजगार दिया, हाथ खड़े करो जी। बा किसने दे, जो बेरोजगार है वो हाथ खड़े करो, ये देखो सारे बेरोजगार। तो कहां गए इनके झुमले, ये झुमले सुनाते हैं, इनकी बातों में मत आना भाई साहब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, पार्टी क्यों बनानी पड़ी, ये तो करप्शन की एक मूवमेंट थी रामलीला ग्राउंड में कि भाई करप्शन बंद कर दो, मंत्री पर भी वही कानून लागू करो, संतरी पर भी वही करो। इन्होंने चिढ़ाया, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, इलेक्शन लड़ो, जीत कर आइए। पार्टी बना ली, हम तो जीत कर आ गए, वो खुद हार गए। तो पहली मर्तबा 67 सीट आई बीजेपी की 3, दूसरी बार 63 बीजेपी की 7, लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार है। क्यों है? क्योंकि हालांकि दिल्ली में तंग करते हैं, बहुत काम नहीं करने देते, क्योंकि ईमानदार सरकार है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज है गरीब का भी बिल्कुल फ्री है, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन है, चाहे पैरासीटामोल की कोई गोली है। भाई साहब पंजाब में भी कर दिया हमने, इनसे सीख रहे हैं हम भी, यह बात होती है भाई साहब। अभी पंजाब दिल्ली में पहले लागू था, पंजाब में भी कर दिया। अगर पंजाब का कोई जवान पुलिस का या फिर फौज का कोई भी जवान ड्यूटी दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं भाई साहब, 1 करोड़ रुपए। अभी हमारे 4 जांबाज शहीद हुए हैं अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में, एक पंजाब का है कर्नल मनप्रीत सिंह। सोच सकते हो कितने देशभक्त लोग हैं हम लोग, कितने वतनप्रस्त लोग हैं। तीसरी पीढ़ी, 3, एक दादा, दादे के 2 भाई, वो भी फौज में, बाप भी फौज में, खुद कर्नल मनप्रीत फौज में, और उसके 6 साल के बेटे ने उसके अंतिम संस्कार पर फौज की वर्दी पहनकर 6 साल के बेटे ने ऐसे सलूट किया कि मैं भी फौज में जाऊंगा। और दूसरी तरफ शर्म आनी चाहिए इनको, दूसरी तरफ जब वो शहीद हो चुके थे, न्यूज आ गई, खबरें आ गई, नीचे पट्टी चल रही थी कि वो शहीद हो गए, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय हमारे देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह और राजनाथ, उन पर फूलों की बरखा हो रही थी अपने अपने ऑफिस में दिल्ली में, वो G20 के जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आनी चाहिए यार इनको। एक तरफ भगत सिंह की धरती, एक तरफ भगत सिंह की सोच। भगत सिंह ने क्या लिखा, कहता इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम
मेरे किरदार से के इश्क भी लिखता हूं इनकलाब लिखा जाता है। और ये देश के वारिस बन के बैठ गए, इनके बाप का है देश, कभी कहते हैं हम इसका नाम बदल देंगे। देश का नाम बदल दोगे? कहते जी। फिर मैंने कहा इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे? फिर आईपीएल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एसबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, आरबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया लफज से इनको है ना, क्योंकि हमारा गठजोड़ का नाम इंडिया है, कितना कुछ बदलोगे। मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। अभी नई नया आपको सुनाता हूं, जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बच्चे जो पढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस पर 18% जीएसटी लगाने वाले हैं हॉस्टल की फीस पर। इसका मतलब एक और नारा जल्दी आएगा, ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता भाई साहब हॉस्टल की फीस चुकानी कितनी मुश्किल होती है, चार पढ़ा है भाई साहब चौथी पास राजा है, आपको तो पता ही है। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम, इसीलिए आपके पास आए हैं। क्या हो, बदलें। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। हर रोज लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि जी आ जाओ बचा लो हमें, खा गए लूट के। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं हमारे प्रधान जी केजरीवाल साहब, इनको पता है पैसा किधर से आना होता है और किधर को लेके जाना होता है। और टैक्स का पैसा आता है खजाने में, खजाने का मुंह जनता की तरफ। अब ये क्या कहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गरीबों को, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, तो मोदी जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। अच्छा, हमने गरीब की बिजली दो बल्ब जिसके घर पे हैं उसकी बिजली फ्री कर दी तो रेवड़ी हो गई, तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? 15 लाख आ गया, 15 लाख भाई साहब नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा जी अब जब भी आप लोगों में जाने वाले हैं, लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप तो पूरा देश अपने एक दोस्त को लुटाने वाले हैं, मोदी जी 6-8 महीने में तो आप वैसे भी जाने वाले हैं, चलो जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं।